नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे होंडा SP 125 के लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए। दोस्तों आज हम बात करते हैं होंडा SP पायो, जिसको कि अभी 3 साल पूरे हो चुके हैं। और इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स की और नेगेटिव पॉइंट्स की, यानी कि क्या क्या हमें दिक्कतें इसमें देखने को मिली और क्या क्या गाड़ी की विशेषताएँ। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं पर। तो दोस्तों इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका जो माइलेज है, वो हमें बहुत बढ़िया माइलेज हमें देखने को मिलता है। 65 से 70 का माइलेज हमें नॉर्मल उसमें देखने को मिल जाता है। और यदि आप हाईवे वगैरह पर गाड़ी को चलाते हैं तो आपको इसमें जो माइलेज है वो 70 से 75 तक का देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस के बारे में, गाड़ी बहुत ही बढ़िया है और आपको इसका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इसकी जो कलर है उसमें एक ब्लैक कलर ग्रीन स्टाइक के साथ में आता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और रेड कलर भी बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ तक बात करें, फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। और फैमिली के लिए आप लेना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो, तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। लेकिन जहाँ तक कुछ बात करें कि इसमें क्या क्या हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि इसकी जो सर्विस है, वो सर्विस कॉस्ट जो है महंगी पड़ती है, यानी कि कॉस्टली पड़ती है सर्विस इसकी। और एज कम्पेयर टू आप हीरो की बात करें और TVS की बात करें तो उसके तुलना में महंगी पड़ती है। लेकिन अगर आप वहीं पर BMW KTM वगैरह के बारे में जाते हो तो उनकी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। लेकिन नॉर्मल उसमें आपको होंडा की जो सर्विस है वो हीरो की अपेक्षा आपको महंगी पड़ती है। जहाँ तक बात करें इसके इंजन की, तो इंजन बहुत ही स्मूथ है। साइलेंट स्टार्ट जो है इसका वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन इसमें गियर के अटकने की थोड़ी सी समस्या हमें देखने को मिलती है, जो कि कंपनी अभी तक इम्प्रूव नहीं कर पाई है। यानी कि गियर डालते हुए कभी भी कभी आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि वो भी आप फर्स्ट और सेकंड गियर आप चेंज करते हैं उस टाइम पर। बाकी आपको वैसी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ, क्योंकि इसमें ट्यूबलेस टायर हैं, तो आपको जो टायर है उनमें भी हवा का जो प्रेशर है वो हर हफ्ते चेक कराते रहना पड़ेगा। यदि आप नहीं कराओगे तो आपकी बाइक का जो माइलेज आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि इसका माइलेज नहीं मिलता है, तो दोस्तों वो एयर प्रेशर कम होने की वजह से उनकी गाड़ी माइलेज नहीं मिलता है। यदि आप एयर प्रेशर सही रखेंगे तो आपकी गाड़ी का जो माइलेज है बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिलेगा। जहाँ तक पार्ट्स की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। साइलेंटली स्टार्ट होती है और इसको यदि आप साफ सफाई से रखोगे तो आपका पेंट भी बहुत अच्छा रहता है।